निम्न सूचनाओं के आधार पर ज्ञात कीजिए कि चालू अनुपात, तरल अनुपात और दो अनुपात अपने को निकालना है, करेंट रेशो है और दूसरा है क्विक रेशो या फिर लिक्विड रेशो। लेनदार इसमें अमाउंट दिए 1,60,000, दे बिल है 40,000, बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिज में साधत्व है 20,000 के, और इसके बाद है कैश 1,00,000, डेटर्स है कितना 2,00,000, इससे देनदार बैंक में रोकड़ तो कैश इन बैंक 50,000 और स्टॉक है 90,000, पूर्वगत व्यय मीन्स प्रीपेड एक्सपेंसेज 30,000, प्राप्त बिल यानी बिल्स रिसीवल 50,000। निकालना है क्या अपने को, करेंट रेशो और लिक्विड रेशो दो निकालना है। तो इस सम को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर ये आपका अध्ययन का पेज नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 का और क्वेश्चन नंबर 19 का और तो कैलकुलेशन क्या करना है आपने को, इसमें दो चीजें आपको निकालना। सबसे पहले तो आप बना लें इसमें करंट रेशो, करंट असेट्स इस चालू संपत्तियां, चालू संपत्ति में आप कौन कौन सा आएगा, कैश चालू संपत्ति में पहला आ जाएगा कैश प्लस डेटर्स आ जाएगा, देनदार डेटर्स, डेटर्स के बाद इसमें आएगा बैंक में रोकड़ और कैश इन कैश एट बैंक, कैश इन बैंक कर देंगे। फिर इसके बाद स्टॉक, स्टॉक के बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिर आएगा प्राप्त बिल, बिल्स, बिल्स रिसीवर। इस तरीके से ये अपने असेट्स इसमें आ जाएगा। तो असेट्स की अमाउंट सबसे पहले आप असेट्स में इसमें देखें, कैश आपको दिया है 1,00,000, कैश कितना दिया है 1,00,000 लिखना है, और कैश के आफ्टर में डेटर्स दिए 2,00,000, डेटर्स आएंगे 2,00,000, 2,00,000 के बाद बैंक में रोकड़ आपकी 50,000 से है, कैश एट बैंक कितना 50,000, स्टॉक आ जाएगा 90,000, स्टॉक के बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस 30,000, इसका प्रीपेड कितना से 30,000 और बिल से रिसीवर 50,000, इसके बाद बिल से रिसीवर कितना सभी को कर लेंगे प्लस, प्लस करने से अपने आ जाएगी करेंट असेट, क्या है करेंट असेट्स, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी करेंट असेट्स। तो करेंट असेट्स का टोटल करें तो यहाँ पर 1,03,00,000 हुआ, 4,00,000, 4,70,000 और ये हो गया कितना 5,20,000, कितना आ जाएगा 5,20,000, देख लेंगे 2,03,00,000, 9,514 यानी कि 4,00,000 कितना 40,000 और 3,70,000 इनका टोटल टॉपर 3,00,000 हुआ और 4,40,000 तो 4,70,000, 4,70,000 में 50,000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4,70,000 में 50, 5,20,000 कितना आ जाएगा 5,20,000। इसके बाद हमें बनाना है करेंट लायबिलिटी, करेंट
करंट लायबिलिटी होगी, करंट लायबिलिटीज वो भी इसी टाइप से बनाना है, डायरेक्टली नहीं दी है। सबसे पहले इसमें क्या क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स आपको दिए हैं, क्रेडिटर्स लें, क्रेडिटर्स के बाद में आएगा बिल्स पेबल, इसमें बिल्स पेबल प्लस करना है, बिल्स पेबल के बाद आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आ जाएगा, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग, ठीक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आ गया, और बस इतने ही है, तीन नंबर। तो क्रेडिटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स इसमें दिया 1,60,000 से, 1,60,000 प्लस कितना करना है, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल आ जाएगा 40,000, बिल्स पेबल के बाद आउटस्टैंडिंग 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना 20,000, तीनों अमाउंट को हम कर लेंगे प्लस, तो 160 और 40 2,00,000 बन गया, 2,20,000 कितना आ जाएगा, 2,20,000, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर अपन फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, करेंट रेशियो का, क्या निकालना है अपने को, करेंट रेशियो, चालू अनुपात निकालना है, तो आ जाएगा करेंट रेशियो, तो करेंट असेट्स अपॉन में करेंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला हो जाएगा करेंट असेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी, तो करेंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी जाएगा, तो इसको अपन कर देंगे ऊपर, तो भी यहाँ पर कर लेंगे, करंट रेशियो क्या आ जाएगा, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स का टोटल हमने किया 5,20,000, और इसका कितना आया, करंट लायबिलिटी 2,20,000, 040 से 40 डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। अब देखना है कि अगर अपने को 24 का टेबल से अगर कर सकते हो तो आ जाएगा 22 के टेबल से इजी बना लो, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 26 बचा, अब 26 को 11 से हम कर देंगे डिवाइड, तो 11 बन गया 11 बन गया 22 बच गया, पॉइंट का आफ्टर कितना बचा अपने पास, 4, पॉइंट लगाने से 40 हो जाएगा, तो 11 × 3 = 33, फिर बचेगा कितना 7, फिर वापस 70, पॉइंट लगाने 70 हो जाएगा, तो 11 × 6 = 66 हो जाएगा, 11 से लिया 11 × 2 = कितना आया 22 के बाद 4 बचेगा, पॉइंट लगाने से हो जाएगा 40, 11 के टेबल से 3 टाइम है, 11 × 3 = 33 आता है, और 11 × 4 = 44, इससे ग्रेटर नंबर हो जाएगा, छोटा कितना आएगा 33, 7 बचा, पॉइंट ऑलरेडी लगा चुके हैं तो वो 0 बढ़ जाएगा पीछे 70, और 11 × 6 = 66, और यहाँ पे 11 बन जाए 11 हुआ, तो अपना जो आंसर बना वो बना 22.36:1, ये आपका आ जाएगा इसका आंसर, यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये आ जाएगा करंट रेशियो, कितना आंसर 2.36 रेशो 1, ये आंसर आ गया, ठीक। और इसमें फिर अपने को बोला है करंट रेशो निकालने के बाद क्विक रेशो या फिर लिक्विड रेशो निकालने का बोला जाएगा, तो क्विक रेशो लिक्विड रेशो में चेंज क्या है, इसका जो फॉर्मूला चलेगा यहाँ पर क्विक रेशो,
क्विक रेशियो में आता है फॉर्मूला लिक्विड असेट्स, यहाँ पे क्विक असेट्स या फिर क्विक असेट्स अपॉन में आ जाएगा करेंट लायबिलिटी, यहाँ पर क्या आ जाएगा करेंट लायबिलिटी। तो क्विक असेट्स क्या है, सबसे पहले क्विक असेट्स बनाना, तो आपकी जो करेंट असेट्स है उसमें से आपको स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस कर देना है। क्या कर दोगे स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब इसके लिए अपने को बनाना पड़ेगा पहले। तो अपना टोटल 5,20,000 आए, ठीक है। तो अपन क्या करें, पहले इसे यहाँ पे बना लें क्विक असेट्स इक्वल टू क्या आ जाएगा करेंट असेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस को इन दोनों को प्लस करके करेंट असेट्स में से माइनस कर देंगे। तो स्टॉक की अमाउंट देख लें, यहाँ पे 90,000 और प्रीपेड 30,000। तो ये कितना है 5,20,000 क्या है करेंट असेट्स हो जाएगी। करेंट असेट्स कितनी है 5,20,000, जिसमें से माइनस क्या करना है स्टॉक की जो वैल्यू है वो 90,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस 30,000। तो 90,000 प्लस 30,000 कितना हो जाएगा 1,20,000। 5,20,000 में से 1,20,000 माइनस कर देंगे तो 20,20 डायरेक्टली लेस हो जाएगा, यहाँ 4,00,000 बचेगा। कितना बचा अपने पास 4,00,000। 4,00,000 क्या, ये 4,00,000 आ जाएगा क्विक असेट्स या लिक्विड असेट्स, ठीक है। क्विक असेट्स और लिक्विड असेट्स आ गया। अब अपने को करेंट लायबिलिटीज तो पहले से ही रखी है, कितनी है 2,20,000 की, बस इस फॉर्मूले में पुट कर दें अपन। तो क्विक रेशियो इक्वल टू असेट्स कितने निकली अपनी क्विक असेट्स 4,00,000 डिवाइडेड बाय करेंट असेट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी है 2,20,000, ठीक है। जीरो कितना 4,040 कैंसिल किया बचा 40। इजी बनाना है, टू से काट दें 20, इधर कितना आ गया 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 बन जाए 11 वन टाइम बटा 9 पॉइंट लगाने से हो जाएगा 90। तो 11 एट जा 88 90 है, 2 फिर भी बच गया 20 हो जाएगा, फिर 11 बन जाए 11 और नीचे 11 बन जाए 11। तो आपका जो आंसर आ गया वो क्विक क्विक रेशियो इज इक्वल टू कितना आ गया 1.81:1 दिस इज योर क्विक असेट्स क्विक रेशियो, ठीक है। ये दो आंसर आ जाएंगे ऐसा करते हैं।